वेलकम टू माय चैनल कुक विद शाहीन। आज हम बना रहे हैं बहुत ही हेल्दी मैक्रोनी कॉकटेल सैलेड। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करें, और आगे भी ऐसी रेसिपीज देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल कुक विद शाहीन को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और मेरा दूसरा चैनल है ईट मोर, उसको भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें। चलिए मैक्रोनी कॉकटेल सैलेड बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बाउल के अंदर हम बॉयल की हुई मैक्रोनी ऐड करेंगे। एक प्याली हम चने ऐड करेंगे, सफ़ेद चने बॉयल किए हुए वो ऐड कर देंगे। सेब ऐड करेंगे बारीक कटे हुए, छिलके समेत मैंने काट लिया था बारीक बारीक। बंद गोभी ऐड करेंगे बारीक कटी हुई। अब कॉकटेल ऐड करेंगे, फ्रूट कॉकटेल है, एक टिन मैंने ले लिया था वो ऐड कर दिया है। सिरप समेत हम ऐड करेंगे ताकि अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। अब फ्रेश क्रीम ली है मैंने पैकेट की, वो ऐड कर देंगे। मेयोनीज ऐड करेंगे, बहुत ही मज़ेदार टेस्टी यमी किस्म की मैक्रोनी कॉकटेल सैलेड रेडी होती है। आपने ज़रूर ट्राई करना है इस रेसिपी को। 2 टीस्पून चीनी ऐड कर दी है, चीनी हम दानेदार ऐड करेंगे, पिसी हुई चीनी नहीं ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून काली मिर्च पिसी हुई ऐड कर दी है, 1/2 टीस्पून नमक ऐड कर दिया, और अच्छे से मिक्स करेंगे हम। देखिए कितना ज़बरदस्त लुक आ रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त बनती है, आपने ज़रूर ट्राई करना है। और दावतों में स्पेशली इस सैलेड को ज़रूर बनाया करें, पार्टीज में बनाएं। अब देखें अच्छे से मिक्स कर लिया, और ग्रेट की भी मैंने कैरेट भी ऐड कर दी ताकि ज़बरदस्त किस्म का लुक आए। बहुत ही मज़ेदार मैक्रोनी कॉकटेल सैलेड रेडी। अब मैं डिश आउट कर रही हूँ। लास्ट में हम गार्निश करेंगे कॉकटेल से, थोड़ा सा मैंने बचा लिया था ग्रेट की हुई गाजरों से ऐड करेंगे, अच्छे से गार्निश कर देंगे। देखिए कितना ज़बरदस्त लुक आया है, मैक्रोनी कॉकटेल सैलेड रेडी है। उम्मीद है आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। आपको अगर आज की रेसिपी पसंद आई है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और मेरा दूसरा चैनल है ईट मोर, उसको भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। फेसबुक पेज को ज्वाइन करें, कुक विद शाहीन के नाम से है। अगर आपको रिटन रेसिपीज चाहिए तो प्लीज़ मेरी वेबसाइट को विज़िट करें, cookwithshaheen.com है, और इंस्टाग्राम पर मेरी रेसिपीज़ को फॉलो करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।